हम जब भी मूवीज में सुपर हीरोज को देखते हैं तो बस यही सोचते हैं कि काश काश हमारे पास भी ऐसे ही सुपर पावर होते तो मजे ही आ जाते हैं। सो हे गाइस, दिस इज मी कैव्स राइट हियर एंड आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो 7 बहुत ही अमेजिंग गैजेट्स जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये आपके बजट रेंज में भी आ जाएंगे, जिनकी परचेज लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को अभी से लाइक करके बैठ जाइए और इन्जॉय करिए इस कमाल की वीडियो को। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी गैजेट से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर सकें। सो गाइस, शुरुआत करेंगे इस कमाल की गैजेट से जिसे देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये है एक तलवार जिसकी डिज़ाइन काफ़ी कमाल की लगी मुझे, जिसकी लेंथ 95 सेंटीमीटर है और जब इसको आप अपने हाथों में लेते हो तो ये एक सुपर हीरो जैसा फील देता है। पूरे स्टील की बनी होने के कारण सबसे अलग और अट्रैक्टिव दिखता है। इसकी धार इतनी ज़्यादा खतरनाक है जिसे आप वीडियो में देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, बात करिए इसे कितने में और कहां से आप खरीद सकते हैं, तो आप इसे 800 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन के थ्रू परचेस कर सकते हैं। आयरन मैन लाइटर। मार्वल यूनिवर्स के फैंस बहुत ही ज़्यादा हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ और इसी वजह से आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एक ऐसा लाइटर जो कि आयरन मैन के हैंड के शेप में होता है, जिसे कि आप बहुत से चीज़ों को जला सकते हैं। सिंपली स्लाइड करने से ये लाइटर ऑन हो जाता है और फिर स्लाइड करने से ऑफ। बात करिए ये चलता कैसे है, तो इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है जिसे आप USB के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसकी साइज लाइटर के जैसा ही काफ़ी छोटा होता है, जिसे आप कीरिंग जैसा भी यूज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल लाइटर तो मिल ही जाएंगे आपको मार्केट में, बट एक सुपर हीरो फैन के लिए इस तरीके का गैजेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर गाइज, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो आप इसे अंडर 500 रुपीज़ में खरीद सकते हैं जिसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रियल लाइफ आयरन मैन सूट। मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन के फैंस सबसे ज़्यादा हैं और आयरन मैन शुरू से ही मेरा फेवरेट हीरो रह चुका है। ये सूट आयरन मैन की फेमस मार्क सीरीज पे बेस्ड है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल असली आयरन मैन के सूट के तरह ही है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बना ही है मेटल एलॉय से। बात करें इस सूट की कलर की, तो मुझे इस सूट मूवीज वाले सूट से ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसके कलर काफ़ी ज़्यादा शाइनी और ऑसम है। इसमें आर्क रिएक्टर भी मौजूद होता है और हाथों पे शूटर्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके सारे पार्ट्स हूबहू मूवी वाले सूट जैसे ऑपरेट भी होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे पहन भी सकते हैं। इसमें लाइट्स भी अवेलेबल होती हैं, साथ में लेज़र भी। मूवीज़ में जैसे टोनी स्टार्क अपने सूट को कमांड देता था, वैसे ही आप भी इस सूट को कमांड दे सकते हैं। आपके एक बोलते ही ये हेलमेट ओपन या क्लोज हो जाता है। इसके अलावा इसके लाइट्स भी ऑन ऑफ हो जाएंगे। वैसे टोनी स्टार की बनाई हुई सूट काफ़ी ज़्यादा हाईटेक और एडवांस होती हैं, बट ये उतना ज़्यादा नहीं है, पर जितना भी है काफ़ी ऑसम है। और हो भी क्यों ना, ये आयरन मैन सूट जो है, ओवरऑल इसे परचेस करने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आयरन मैन फैंस के लिए ये सूट बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है। ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम। आप में से कई लोग ब्लैक पैंथर के फैन होंगे, सो इंट्रोड्यूसिंग दिस वन। इसे पहनने के बाद आप एक ब्लैक पैंथर जैसा फील करोगे और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। और हो भी क्यों ना, इसे इतनी अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हाई क्वालिटी के मटेरियल से बनाया जो गया है, जिससे कि पहनने वाले इंसान को कोई भी शिकायत ना मिले। खैर गाइस, अगर आप इस कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहते हो तो इसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू बाई कर सकते हैं। मार्वल के सुपर हीरो लवर्स के लिए ये छोटा सा गैजेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, जो दिखने में भले ही छोटा हो मगर ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये एक पेन ड्राइव है जो कि सुपर हीरोज के शेप में होता है। इसमें आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स, ऑडियो या फिर वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे ये फ्लैश ड्राइव सारे सुपर हीरोज के शेप में अवेलेबल होता है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपका फेवरेट कौन है। खैर, अगर आप बाई करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, ये म्योनिर पे लोगो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। ये एक लार्ज साइज का म्योनिर है जो कि लाइटवेट होने के साथ साथ कन्वीनियंट भी है। ये बिल्कुल थॉर के हैमर जैसा ही दिखता है, जो कि काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लगता है और इसका ग्रिप भी बहुत ही कंफर्टेबल है और ये जो इसका लोगो है काफ़ी कमाल का लगता है। सो गाइज, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। इसकी भी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस कमाल के गैजेट के बारे में। खैर गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप इसे जानते हो और आखिर ये है क्या। वीडियो को अभी जस्ट पॉज करो और कमेंट करो। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, ये मेरा फेवरेट सुपर हीरो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर है, जो कि सारे आयरन मैन सीरीज में हमें टोनी स्टार्क के चेस्ट पे देखने को मिली थी। आप इसे अपने टेबल पे रख कर डेकोर कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाइट एलईडी लाइट मिल जाती है जो कि चेंज होती है ब्लू में, जिसे ऑन करते ही आपको आयरन मैन की ज़रूर याद आ जाएगी। इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले इसमें 3 बैटरी लगाने होते हैं, उसके बाद इसे ऑन करने होंगे। इसके साथ इसके स्टैंड भी मिल जाते हैं, तो ओवरऑल दिखने में काफ़ी हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसकी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसे आप 700 रुपीज़ में अमेजोन से खरीद सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले गैजेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।